कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम नॉर्मली बाहर निकले हो सिर्फ कुछ छोटे मोटे कामों से और यू एंडेड अप बाइंग अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग फॉर योरसेल्फ? आज मेरे साथ वही हुआ। सो इस क्लिप की टाइमिंग पे मैं जा रहा था अपनी बाइक को बेचने के लिए बिकॉज उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिमाग में आया कि क्यों ना एक न्यूज़। सो राइट नाउ वी आर डूइंग समथिंग एपिक, दिमाग में आ गया एंड आगे पता लग जाएगा, पता लगेगा। या मैं जानता हूँ कि मेरे को इस बाइक की बहुत ज्यादा याद है, बिकॉज एफजी ने मेरा बहुत साथ दिया चीजों के अंदर, बट स्टिल अब बहुत खराबी हो रही थी। तो अगर आपको याद होगा एफजी के बारे में, तो एफजी ये है हमारी एंड इसकी हालत ऑलमोस्ट मैक्सिमम खराब हो चुकी है, बट समाओ मैं इसको यूज़ कर रहा था, बट ऑब्वियसली 7-8 महीने चला लिए, तो इट्स टाइम टू लाइक चेंज माय गर्ल एंड बेबी यू आर गोइंग, अब देखो चेंज करना पड़ेगा। बाय बाय बोलने का समय आ चुका है इस बाइक को, सो ओके बाय। अब मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि एफजी को मैंने डंप कर दिया, बट फिर एंड में मुझे नई बाइक लेनी थी, लेकिन मैंने जब बाइक के अलावा स्कूटी चेक आउट करी तो मेरा दिल स्कूटी पे आ गया। सो हमने उस टाइम पे कुछ स्कूटी चेक आउट करी, पापा गए हैं टेस्ट ड्राइव के लिए एंड लेट्स चेक आउट तुमको कैसी लगती है, फिर शायद मेरी बारी या शायद मुझे टेस्ट ड्राइव ना मिले क्योंकि मेरा लाइसेंस नहीं बना। ठीक है, पापा की पसंद मेरी पसंद, लेट्स गो। सो मैंने भी टेस्ट ड्राइव ले ली एंड या मजा आया, अभी के लिए चलते हैं अंदर एंड आई डोंट नो, मैं ये बाइक बेच के स्कूटी क्यों ले रहा हूँ, आई लाइक स्कूटी, लेट्स गो। सो दैट वॉज द स्कूटी जो भी मैंने टेस्ट ड्राइव की एंड मजा आया। सो उस मोमेंट में मेरी स्कूटी जब अंदर आई थी आई वॉज लाइक सो हैप्पी उस मोमेंट पे एंड देख सकते हो कैसे खुशी झलक रही है हमारी स्कूटी आ चुकी है। सो आफ्टर डूइंग सम पेपर वर्क एंड सम साइनिंग वर्क दिमाग में सिर्फ एक चीज थी कि यार स्कूटी आने वाली है अब न्यू घर के अंदर, और उस मोमेंट पे रिएक्शन घर वालों का हमें कैप्चर करने का बहुत ज्यादा अंदर से मन कर रहा था, क्योंकि मॉम को और दादी को नहीं पता था कि हम नई स्कूटी ले रहे हैं, क्योंकि ये एकदम ही बिल्कुल ही एकदम प्लान हो गया था, आई डोंट नो कैसे बट या हो गया था। एंड देन स्कूटी आ चुकी है हाथ में एंड अभी ये बिल्कुल लाइक 2021 एडिशन है, तो कुछ बहुत सारे चेंजेस हैं इसके अंदर, तो बाकी सब कुछ घर पर चल के बात करते हैं। सो फर्स्ट ड्राइव तो अभी फुल करा रहे हैं पेट्रोल, या ये जा रहा है रिटर्न। तो गाइस मजा आ रहा है फर्स्ट राइड एंड मजा आ रहा है, मतलब ठीक है, पूरा भी आएगा पता लगेगा। अभी तो पहले जा रही है मंदिर एंड वहाँ पे पहले इसका सब कुछ होगा जो होता है मंदिर में जब कोई नई चीज़ आती है, जो वो करते हैं सब कुछ, मेरे को इतना नहीं पता, पूछा वगैरह। सो पहले जाएंगे हम मंदिर, वहाँ पे सब कुछ आपको दिखाएंगे एंड आफ्टर दैट थोड़ा बहुत इसका एक जो मैनुअल वगैरह होता है वो सब कुछ देखेंगे पहले। तो गाइस फॉर नाउ लेट्स गो। सही है मम्मा, जिसका कोई प्लान नहीं था, कुछ नहीं था एंड एकदम से ही ले ली एंड से बाइक को भी सेल ऑफ कर दिया। सो हियर इट इज बैक टू एक्सेस 125। लाइक एक ओवरलुक तो आपने ऑलरेडी बहुत सारे सीन्स में देख ही लिया है, प्लस कमेंट सेक्शन में ये बताना कि अगर हमने ये लिए तो इसका कोई ऐसा डिसएडवांटेज जो हमें नहीं पता, क्योंकि लाइक वी आर चैलेंज टू दिस, क्योंकि हमें इतना क्लियरली इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, बट ऑब्वियसली स्कूटीज बहुत चलाई हैं तो इतना कुछ तो पता है यार। ये बताना कि व्हाइट कलर लिया है तो मतलब कुछ मतलब गलत तो नहीं लिया। तो ये दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द स्कूटी, आपने ऑलमोस्ट देख लिया एंड
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ दिस स्कूटी। आपको पता है इसका नॉर्मल सा फीचर जो यहाँ पे होता है कि ये बटन लॉक होता है यहाँ पे हमेशा, तो हर स्कूटी में आने लग गया है। यस, तो ये 2021 वाले वर्जन के अंदर ये है कि इसमें अंदर किल स्विच भी दिया जो पहले वाली एक्सेस के अंदर नहीं होता था। एंड सबसे बढ़िया बात मैं स्टार्ट करके दिखा देता हूँ, किल स्विच के साथ ही सेल्फ है इसके अंदर, जो किसी भी स्कूटी में शायद मेरे ख्याल से नहीं है। जो इसके अंदर आप देख सकते हो कलर से सेल्फ का बटन आता है वो उसमें नहीं है। यहाँ पे सेल्फ का बटन होता है एज यू नो पता है, बट यहाँ पे ये है कि आपको इसे यहाँ पे क्लिक करना है एंड देन यू कैन स्टार्ट द। इसके अंदर यही है कि किल स्विच के साथ ही सेल्फ है, तो ब्रेक दबाएंगे एंड स्टार्ट करके मैं दिखा देता हूँ। इसके अंदर ये है कि किल स्विच के साथ ही सेल्फ का, सो ये काफी सही चीज है दैट यू कैन जस्ट स्टार्ट फ्रॉम हियर, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे स्विच का कोई प्रॉब्लम नहीं और यहाँ पे तुम इजिली चार्ज कर सकते हो, तो यहाँ पे मतलब सही चीज है, समथिंग यूनिक समथिंग क्रिएटिव। एंड इसके मीटर के अंदर अलग सी एलईडी लाइट लगाई हुई है जो मैंने नहीं देखा। इट इज लाइक इसका केस क्या है कि ये तब रिएक्ट करती है, पहले इकोनॉमी या तो 40 तक जाती है तो 40 में ग्रीन रहती है, के साथ साथ लाइट चेंज होती है, 40 के साथ साथ ये जाती है जब 50 से 60 से 70 वाले पार्ट पे तो ये जाती है डार्क ब्लू। तो इसके अंदर कलर्स हैं कुछ नॉर्मल जो सारे रिएक्ट करते हैं इसके अंदर, सो दिस इज समथिंग वेरी नाइस। या तो इसका एक नॉर्मल ओवरव्यू है एंड आगे बात करते हैं। और अगर तुम्हें इसको चार्जिंग पे लगाना है तो साथ में आप फोन को रख सकते हो। इसी के साथ में एक नॉर्मल सा एक पार्ट दे रखा है जिसके अंदर तो बहुत ज्यादा स्पेस है, मतलब ऑलमोस्ट इसमें से एकदम 3 से 4 फोन इजीली यहाँ पे रख सकते हो। मैंने एक एग्जांपल दे रखने मत बैठ जाने को कि गिरने का डर होता है, चोरी होने का डर होता है। एंड बाकी की स्कूटीज में चार्जर होता है, डिक्की में होता है, लेकिन इसमें यहाँ पे कुछ ऐसी स्कूटीज में होता है। 2017 तक की स्कूटी था, 18 तक की स्कूटीज में ये हुआ करता था, खोलना पड़ता है, तुम्हें खोलना है यहाँ पे होता था, बट ये वाला पार्ट इन्होंने पूरा खा ले दिया है। एंड इसको अगर हम दिखाएं तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी। ऑब्वियसली ये तो बहुत ही नॉर्मल फीचर है दैट यहाँ से तुम सीट इजीली कर सकते हो ओपन। एंड या ये 2018 तक 19 तक है, तो या इट इज नॉट न्यू बट स्टिल। और इसके अंदर की अगर तुम स्टोरेज की यार तुम स्पेस देख सकते हो, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, पहले ही पड़ा हुआ है, तो इसकी आप स्पेस एक बार चेकआउट कर सकते हो, स्पेस इसकी कितनी है। लाइक मैं इसके अंदर ब्रीजर फिट कर सकता हूँ लगता है। हाँ, वो बैठ जाएगा लेकिन बंद होगा ऑब्वियसली। और साथ में नॉर्मल अगर हम बताएं तो ये एक थोड़ी छोटी सी टूल किट दे रखी है एंड साथ में नॉर्मल कुछ मैनुअल्स वगैरह दे रखे हैं इसके। यार ये रहा, दिस इज द मैनुअल एंड ये वाले पार्ट तो ऑब्वियसली साथ ही मिलते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट एड किट जो कि एक नॉर्मली साथ मिलती ही है। सो दैट वाज द ओवरव्यू ऑफ द स्टोरेज स्पेस, यानी कि स्कूटी का जो एक डिक्की का स्पेस होता है। ओवरऑल इतने कुछ पार्ट्स हैं इसके अंदर, अब हम बात कर रहे थे कुछ इंटरनल फीचर्स के। तो इसके अंदर एक फीचर और एक, जैसे हम डिजिटल मीटर इसका आपका आ चुका है इसके अंदर, पहले ये डिजिटल मीटर नहीं था। yes. ये अब आ चुका है इसके अंदर। तो मुझे बताओ कि एक दिन के अंदर 126 किलोमीटर कौन चलाता है, पहले मुझे ये बताओ। जाएगी चलेगी ना, देख सकते हो आप इसके अंदर टाइम भी है। ओके, टाइम एंड ये बैटरी का कुछ वोल्ट्स आ रहे हैं लिखे हुए, तो ये अगर हाई टेम्परेचर हाई हो जाते हैं वोल्ट्स वगैरह तो मतलब तुम्हें पता लग जाता है कि तुम बाइक साइड में रोक के मतलब वो कम कर सकते हो, तो ये नॉर्मल होना चाहिए, रहना चाहिए हमेशा। अच्छा। एंड ये ब्राइटनेस का ऑप्शन है, ब्राइटनेस आप हाई लो अपने आप कर सकते हो, मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे ये मीडियम है, ये लो है, ये हाई है, तो धूप में आपको ये बढ़िया रहेगा कि आराम से दिख जाएगा, हाई करके आप आराम से देख सकते। अरे भाई ये भी कैसा है इसके अंदर। सो इफ यू टॉक अबाउट लाइक द माइलेज एंड जो एक जो जो सीसी वगैरह केस होता है, तो सीसी आप सभी को पता है सामने नॉर्मल दिख रहे, इट इज 125 सीसी ये जो आपको दिखी गया सामने। बट इफ यू टॉक अबाउट द माइलेज, तो माइलेज कंपनी क्लेम करती है फ्रॉम 55 टू 60 के बीच। अब वो डिपेंड करता है कि यार स्कूटी कितनी चलती है, किस तरह चलती है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर स्कूटी को तुम ब्रेक मारोगे बीच में 1000 टाइम्स, ऑब्वियसली वो अलग रिएक्ट करेगी बात एवरेज, एंड अगर तुम बिल्कुल स्ट्रेट चलोगे तो वो अलग रिएक्ट करेगी। तो इट इज डिपेंड अपॉन द सिस्टम की तुम चला कैसे रहो, बट इट इज नॉर्मली 50 टू 60, तो दिस इज द नॉर्मल एवरेज ऑफ एक्सेस। एंड साथ ही साथ में ऑब्वियसली यू नो स्कूटी नहीं है तो हमने तो ऑब्वियसली इसके सारे के सारे टेस्ट तो करने हैं, सो हम इसके काफी कुछ टेस्ट करने वाले आने वाली वीडियोस के अंदर। तो सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना, क्योंकि इसकी हम सबसे पहले करने वाले माइलेज टेस्ट, क्योंकि सबसे पहली चीज वही है। और अगर आपको माइलेज इसका एक्यूरेट बिल्कुल चाहिए कि माइलेज कितनी होगी, क्योंकि हम बिल्कुल स्ट्रेट रोड पर चलेंगे जिस तरह चलेंगे माइलेज बिल्कुल 100% कम्प्लीटली वही दिखेगी जो होती है। सो या नेक्स्ट डू कमेंट डाउन बिलो कि चाहिए कि नहीं। सो ऑब्वियसली ये थी हमारा पूरा स्कूटी का एक ओवरव्यू, एक छोटी सी एक नॉर्मल शॉर्ट फिल्म कह सकते हो, ब्लॉग कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। सो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि बेल आइकन लोगों ने नहीं दबाया हुआ, नोटिफिकेशन नहीं जाता। मेजोरिटी ऑफ द पीपल हैव नॉट क्लिक्ड द बेल आइकन बिकॉज वो एक मेन सोर्स रहता है हमारी इनकम का, तो प्लीज कर दिया करो। या मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पीस।
बाय।